आखिरकार 44 जवानों की शहादत रंग लाई, आतंकी कैंपों पर भारतीय सेना का हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह भविष्यवाणी बहुत ही सच निकली कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। सोमवार को देर रात भारतीय सेना द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर पर एक बड़ा हमला करके 1000 किलोग्राम के बम गिराए गए और पीओके के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। सेना के 12 मिराज विमानों ने एक साथ हमला किया और हवाई हमले में लगभग 300 से भी अधिक आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। पीओके में घुसकर भारत की सेना द्वारा यह हमला किया गया है। सुबह 3:30 बजे सेना ने यह कार्रवाई की। कुल मिलाकर इस हमले के बाद अब हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस हो रहा है कि यह भी साबित हो गया कि भारत चुप नहीं बैठेगा और आने वाले समय में इससे भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कुल मिलाकर यह माना जा रहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत नजर रख रहा है और वहीं से अपने बदले की शुरुआत भी सेना करेगी, और हुआ भी यही। 12 विराज विमानों द्वारा मुजफ्फराबाद से लेकर अन्य तमाम इलाकों में जो कि जैश के ठिकाने बताए जाते हैं, वहां पर 1000 किलो से भी अधिक के बम बरसाए गए। कुल मिलाकर ये साबित कर दिया गया कि मोदी सरकार द्वारा जो बात लगातार कही जा रही थी कि भारत इस मामले में चुप नहीं बैठेगा और पुलवामा में शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला पाकिस्तान से पूरी तरह से लिया जाएगा, इस हमले ने यह भी साबित कर दिया कि भारत किसी भी दृष्टि से पाकिस्तान से कम नहीं है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।